हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज होगा लेक्चर हमारा 12.2। लेक्चर 12.1 में हमने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि जितना भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में बनाया है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया है, उसे मानव के द्वारा किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है या किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, उसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के थ्रू हमने बनाया था मेडिसिन, ठीक, वो किस प्रकार से ह्यूमन यूज़ कर सकता है। मतलब जैसे कि काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के थ्रू बनाई जाती हैं, और वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं या वो किस प्रकार से यूज़ की जाती हैं, वो मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, ये सब हमें आज के लेक्चर में पढ़ना होगा। आज के लेक्चर में हम एक मेडिसिन जिसको हम क्या कहते हैं, औषधि बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है और ये जैव प्रौद्योगिकी के थ्रू बनाया जाता है। इंसुलिन से क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलती है, इसके कौन सा रोग होता है, ये हम आपको सब आज के लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन के बारे में। उसको हिंदी में कहते हैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। किस तरीके से हम मेडिसिन मतलब औषधियों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया भी है तो उससे हमने कौन सी मेडिसिन बनाई है। दोस्तों, वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधियाँ, चिकित्सीय औषधियाँ मतलब यही मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है। मतलब 30 ऐसी औषधियाँ, 30 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में बन चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 12, ठीक, वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं, मतलब लाई जा रही हैं, यूज़ की जा रही हैं। ऑल ओवर कितनी है, 30 ऐसी मेडिसिन है जो पुनर्योगज मतलब कि जो कि पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक से बनाई गई हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, ये जो तकनीकें होती हैं ये इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि कहीं और से जीन हमने निकाला, ठीक, उसको हमने किसी और वेक्टर पे जोड़ा, फिर उसके बाद हमने उसको ह्यूमन सेल के अंदर डाल दिया। ह्यूमन सेल के अंदर जैसे ही डाला तो जो जीन होगा वही तो अपना लक्षण प्रकट करेगा, और जिस प्रकार का जीन होगा उसी प्रकार का वो क्या करेगा, लक्षण प्रकट करेगा। तो हमें जिस प्रकार के जीन की ज़रूरत होती है वो हम डायरेक्ट इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट मतलब पहुंचा देते हैं ह्यूमन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जीन की हेर फेर बदल हो जाती है, और जीन के चेंजेस से जिस प्रकार का जीन उपस्थित होता है या जिस प्रकार का जीन हमने उसके अंदर इंसर्ट किया होता है, डाला होता है, वो उसी प्रकार का लक्षण उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों, अब हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंसुलिन के बारे में बहुत पूछा जाता है। बोर्ड में इंसुलिन के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, मेरे खुद के पेपर में इंसुलिन के बारे में पूछा गया था पूरा इसका प्रोडक्शन, जो कि हम आज आपको बताएंगे। अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैसे, क्योंकि ये कोई मामूली इंसुलिन नहीं है, इस इंसुलिन को हमने बनाया है इसके अंदर के जीनों को बदल के। किस प्रकार से बनाया है उसका हम आपको पूरा डायग्राम दिखाएंगे। इवन इंजेक्शन में किस तरीके से वो भर के फिर इंसर्ट किया जाता है, जो इंसुलिन होती है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इंसुलिन यूज़ की जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट को देने के लिए, मतलब उस रोगी को दी जाती है जिसको क्या हो, डायबिटीज़ हो, जिसको नॉर्मल भाषा में शुगर भी कहते हैं, ठीक, मधुमेह उसे हिंदी में कहते हैं, और अगर उसका पूरा नाम ले तो उसे डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, ठीक दोस्तों, डायबिटीज़ मिलिटस या शुगर भी बोल सकते हैं, उसे मधुमेह भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रोग होता है इंसुलिन की कमी की वजह से। जब इंसुलिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो जो हमारे अंदर का ग्लूकोज या शुगर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन हमारे अंदर नॉर्मली बेसिस पे यूज़ हो रही है, रिलीज हो रही है, वो अपनी बॉडी में काम कर रही है, तो जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल होगा वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक। अब देखिए, अगर इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन है, इंसुलिन का लेवल मान लीजिए कम हो गया,
इंसुलिन क्या हो गई, कम हो गया। तो जो ग्लूकोज या शुगर हमारी बॉडी में मिलता है इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो इंसुलिन होती है ये शुगर के लेवल को मेंटेन करती है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जितना भी शुगर का पाचन होता है या शुगर को मारना या शुगर को तोड़ने का काम होता है वो इस इंसुलिन का होता है, हमारी बॉडी में रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होती है अभी हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे उसे। तो देखिए दोस्तों, इंसुलिन जो होती है जब इसका लेवल कम होता है, जब इसका लेवल कम हो जाता है तो शुगर का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। कैसे, अगर जब इंसुलिन कम होगी तो वो शुगर को नहीं मार पाएगी। अब मान लीजिए शुगर का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और हमारे पास इंसुलिन सिर्फ इतनी सी है, तो हम इससे कितना लड़ेंगे, कितना इसको तोड़ेंगे, ठीक, तो नहीं कर सकते इतना। लेकिन और अगर उल्टा हो जाए इसका कि शुगर लेवल अलग हो जाए और इंसुलिन लेवल अलग हो जाए, मान लीजिए इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ जाएगा, ठीक, हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो शुगर का लेवल लो हो जाएगा। तो ये इंसुलिन इस प्रकार से हमारी बॉडी, हमारा शरीर रिलीज करता है कि हमारी बॉडी में क्या हो, बिल्कुल नियंत्रण, नियमन रहे। नियमन रहे मतलब कि दोनों का लेवल मेंटेन रहे। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन आती कहाँ से, मतलब हमें इंसुलिन मिलती कहाँ से। हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसे एक अंग भी कह सकते हैं, वो दोनों चीज़ है। हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो कि दो दो काम करती है, उसका नाम है अग्नाशय। आपने नाम सुना ही होगा अग्नाशय, ऑल्सो नोन एज इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज हमारे डाइजेशन मतलब पाचन में भी हेल्प करता है, और पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन भी सिक्रीट करता है। अब ये होता कहाँ है, ये हमारा स्टमक, स्टमक मतलब अमाशय, अमाशय के जस्ट पीछे एक पत्ती के आकार की कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक, यही क्या होती है, पत्ती नहीं बनाई हमने, पत्ती के आकार की संरचना होती है, और इसी को क्या कहते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या काम करता है, पैनक्रियाज दो काम करता है, एक हो गया डाइजेशन में क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम आपको पता चल गया ना इंसुलिन हमें कहाँ से मिलेगी, अग्नाशय से मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अग्नाशय में कोई दिक्कत होने के कारण ये इंसुलिन पूरी तरीके से, परिपूर्ण तरीके से हमारी बॉडी में नहीं सिक्रीट हो पा रही है, तो क्या होगा, तो जो हम खाना खाते हैं, खाने में तो बहुत मात्रा में शुगर होती है, हमें पता भी नहीं होता लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी शुगर होती है, वो शुगर हमारी बॉडी में लेवल बढ़ता जाएगा और डायबिटीज़ नाम का जो एक रोग है वो उसका हम शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये जिन लोगों को रोग होता है ये, तो उनमें ये रोग क्यों है, किस वजह से, क्योंकि उनमें इंसुलिन नाम का हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा है, इस वजह से उनके अंदर क्या है, ये डायबिटीज़ नाम की बीमारी है। तो दोस्तों अब इस डायबिटीज़ नाम की बीमारी जो इतनी खतरनाक बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा लो हाई होती रहती है, परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, प्रिकॉशन करें काफ़ी सारी कि जिसको डायबिटीज़ है वो मीठा कम खाए। मीठा कम क्यों खाए, मीठा में ऑलरेडी जो मीठा हम लोग खाते हैं, जैसे कोई भी स्वीट्स खाई उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा लेवल में शुगर होती है, वो हमारे जब ब्लड में घुलती है तो इंसुलिन तो उतना सिक्रीट कर नहीं रहा है, और जब जितना इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा हम उससे ज़्यादा उसको शुगर दे रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हम शुगर देंगे तो हमारे ब्लड में वो उतनी ज़्यादा शुगर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रही है। दोस्तों समझ में आ गया ना, फिर आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे हम इसमें मनुष्य में मधुमेह रोग। मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज़ या शुगर, इसको इंग्लिश में डायबिटीज मिलिटस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। ठीक, मधुमेह रोग कार्बोहाइड्रेट उपापचय मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण होता है। गड़बड़ी होती है किस प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट उपापचय की गड़बड़ी से होता है। इस रोग में शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि कोई भी उसमें मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट में गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से इंसुलिन कम प्रोड्यूस होने लगा, इंसुलिन कम बनने लगा, इंसुलिन की कमी हो जाती है। मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज का उपापचय ठीक ना होने से,
मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज का उपापचय, ग्लूकोज का उपापचय मतलब होता है ग्लूकोज को अच्छे से तोड़ना, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना, न ठीक तरह से ना होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जो हमने आपको बताया था दोस्तों, इंसुलिन अगर बढ़ेगी तो शुगर कम होगी, मगर अगर शुगर लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन कम हो जाएगी, अगर इंसुलिन कम है ठीक तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन बढ़ेगी तो वो शुगर लेवल को कम कर देगी, क्योंकि मेन जो इंसुलिन होती है वो किसका उपापचय करती है, कार्बोहाइड्रेट का, या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शुगर एक ही होते। कार्बोहाइड्रेट कोई नई चीज़ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार की शुगर होती है, मोनोसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड होती है, ओलिगोसेकेराइड होती है और पॉलीसेकेराइड होती है। ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ शुगर, एक टाइप की चीनी नहीं मिलती है ना, कोई होती है छोटी क्रिस्टल वाली होती है, कोई होती है बड़ी क्रिस्टल वाली शुगर होती है, एक मिश्री होती है उसको भी शक्कर होती है, ठीक शक्कर की बात कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार की अलग अलग टाइप की जैसे शुगर मिलती है, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी अलग प्रकार की शुगर से ही बना, ये सब शुगर जब साथ में मिल जाती है इसको कह दिया हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट। उपापचय ठीक से ना होने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया रोग के बारे में, अब जो हमें मेन इसका पढ़ना है इसका निदान, या इसका जो निदान होता है किस प्रकार से हम इससे लड़ सकते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है कि अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इंसुलिन हमने किस प्रकार से बनाया, इसका इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब उसको औद्योगिक लेवल पे ही बनाते हैं। अब घर में तो कोई इंसुलिन नहीं बना सकता ना, नहीं बना सकता, इसको इंडस्ट्रियल मेथड पे यूज़ किया जाता है, फिर लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको मार्केट में सेल किया जाता है। जिस इंसान को, अगर कोई रोगी है जिसको शुगर लेवल बढ़ गया, तो उसको इंसुलिन दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन से इंसुलिन निकाल लेते हैं, सिरिंज में होती है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको डाल देते हैं जिस भी रोगी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ तक कि तो हमने पढ़ लिया कि ये होती क्या है, अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के वर्तमान समय की बात करने से पहले इसमें हमें पहले थोड़ा सा पुराने ज़माने का भी देखना है कि किस प्रकार से हमें पहले के ज़माने के लोग इंसुलिन प्रोडक्शन करते थे। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन बनाई, लेकिन उससे पहले जो पुराने ज़माने के लोग थे वो किस प्रकार से यूज़ करते थे, कैटल्स, कैटल्स जो होती हैं मवेशी भी जिन्हें कहते हैं हिंदी में, उनको चौपाइयाँ भी बोलते हैं, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी हैं, ये सबको कैटल्स या मवेशी बोलते हैं, चार पैर जिनके होते हैं उनको मवेशी बोलते हैं, या जो दूध देते हैं उनको भी एक टाइप से मवेशी बोल सकते हैं, पैट एनिमल्स टाइप के। लेकिन सब नहीं, केवल जो मवेशी होते हैं चार पैरों वाले जानवर उनको बोलते हैं। तो दोस्तों क्या करते थे, जिन जो पत्तियां खाते हैं जैसे बकरी है या गाय, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं गाय का, गाय के अंदर सबसे ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है इस वजह से क्योंकि वो जो पत्ते खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, जिस वजह से उनके अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, इन मवेशियों से, ये जो जीव होते थे जंतु होते थे, इनसे इंसुलिन को निकाला जाता था, इनसे इंसुलिन को निकालने के बाद तब मनुष्यों को दिया जाता था। ये वाली तकनीक जो हम पढ़ रहे हैं ये तो बाद में आई है, पहले के लोग ऐसा करते थे कि मवेशियों को लेते थे, कैटल्स को लेते थे, और उनके अंदर से, उनके अग्नियाशय से इंसुलिन निकाल लेते थे। उन इंसुलिन को निकालने के बाद वे क्या करते थे कि उनको ह्यूमन में यूज़ करते थे। तो पहले तो सबको ठीक रहा, लेकिन बाद में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, सबको तो एक समान सूट नहीं करता ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनमें बॉडी में एलर्जी हो रही थी, रैशेस हो रहे थे, उनको रिएक्ट करे जा रहा था ये इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन, जो कि हमने मवेशियों से निकाला था, जो कि हमने कैटल से निकाला था, क्योंकि ये बीमारी जो होती है इसका लेवल बढ़ता और कम होता रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन इनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक कि हमने इंसुलिन के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, लेकिन जो अब इसका मेन भाग है, जो इसका डायग्राम है कि किस प्रकार से इंसुलिन बनाई जाती है और किस प्रकार से उसको इंजेक्ट किया जाता है किसी और मनुष्य में, वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इंसुलिन बनाने की विधि देखेंगे। तो दोस्तों ये रही विधि इंसुलिन को बनाने की, जिसको ह्यूमलिन भी बोलते हैं,
तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक। उस बैक्टीरिया के अंदर से हम क्या निकालेंगे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमें कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है ना। तो उसमें से हमने क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड, और उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट दिया। फिर हमने लिया ह्यूमन सेल। ये क्या है, ह्यूमन सेल है, मतलब किसकी सेल है, मनुष्य की सेल है। इस मनुष्य की सेल में से हमने एक जीन निकाल लिया। ये जीन दोस्तों कौन सा जीन था, ये वो जीन था जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक। ये अलग कलर से बना दिया हमने। ये कौन सा जीन था जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए या इंसुलिन के बनने को प्रोत्साहित करता था। फिर इधर से हमने बैक प्लाज्मिड ले लिया और इधर से हमने क्या ले लिया, जीन ले लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ह्यूमन जीन इंसर्टेड। मतलब ये एक ऐसा बैक्टीरियल प्लाज्मिड है जिसमें हमने मनुष्य का जो जीन है वो डाल दिया है। अब ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इधर से हमने क्या लिया, प्लाज्मिड, उसको काट लिया, और ह्यूमन सेल से क्या ले लिया, जीन ले लिया, उसको काट लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर किसमें डाल देंगे, बैक्टीरिया में। फर्दर मतलब फिर से डाल देंगे बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल सेल में। ये हमने इसको कहाँ डाल दिया, बैक्टीरियल सेल में। ये देखिए जो यहाँ था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर। यहाँ भी हमने ऐसा क्यों डाला, क्योंकि हमें इसे क्या करना था, क्लोन करके इसको बढ़ाना था। अब एक इंसुलिन की बॉटल तो बनाएंगे नहीं, अब जब बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सी इंसुलिन बनाएंगे। तो दोस्तों एक प्लाज्मिड हमने बना दिया, फिर हमें पता है कि जो प्लाज्मिड का मेन फंक्शन होता है वो क्लोनिंग का होता है। वो आराम से क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन या क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब अपनी ही जैसी क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है। तो दोस्तों इस प्लाज्मिड को हमने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, प्लाज्मिड रीइंट्रोड्यूस। रीइंट्रोड्यूस मतलब फिर से, रीइंट्रोड्यूस इंटू बैक्टीरियम या बैक्टीरियल सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लाज्मिड रीइंट्रोड्यूस इंटू बैक्टीरियम, हमने प्लाज्मिड को क्या किया, फिर से किस में डाल दिया, बैक्टीरियल सेल में डाल दिया। इस बैक्टीरियल सेल को इसके बाद डालेंगे फर्मेंटेशन टैंक में। फर्मेंटेशन टैंक, इसको हिंदी में किण्वन टैंक भी बोलते हैं। किण्वन टैंक में हम इसको फर्मेंट करते हैं या फर्मेंटेड करते हैं। फर्मेंटेड मतलब किण्वित करते हैं। किण्वित करने के बाद इसको हम सेपरेट मतलब अलग, और प्योरीफाई मतलब इसको शुद्धित या इसका शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद बना देते हैं एक ह्यूमन इंसुलिन, इसको बॉटल्स में भर के, फिर इट इज़ रेडी टू इंजेक्ट इनटू अ पेशेंट। इसको हम क्या कर देते हैं, किसी भी पेशेंट में या किसी भी रोगी में जिसको डायबिटीज होती है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में जो हमने आपको बताया था कि जितना भी इंसुलिन हमने फर्मेंटेशन टैंक से, मतलब जो किण्वित टैंक था हमारा, उसमें से निकाल के लास्ट में इंजेक्शन में भर के किसमें, एक रोगी में इंसर्ट कर दिया। डायग्राम हमने मिटा दिया है, लास्ट वाला वहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज वाला लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे ईजिली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।